सामने आए, सबसे पहले हमने आपको नतीजे बताए, तो नतीजे जो आए हैं अगर उसमें समीकरण लगाएं, अगर उसमें गणित के हिसाब से अगर बात करें तो सत्ता पक्ष आंकड़ों में फिलहाल आगे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत खुशी की बात उसके लिए फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सासाराम की, तो आपको बता दें कि सासाराम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह 684 मतों से यहां पर चुनाव जीत गए हैं। संतोष कुमार ने आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को हराया है। आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को 2368 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी के संतोष कुमार सिंह को 3052 वोट मिले हैं। कैमूर रोहतास स्थानीय प्राधिकार चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से, आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह 684 वोटों से जीतने में कामयाब रहे हैं। संतोष कुमार ने आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को चुनाव हराया है। मीडिया संवाददाता अमरजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। हाँ जी बिल्कुल, जो है बीजेपी प्रत्याशी जो एमएलसी प्रत्याशी थे संतोष कुमार जी, भारी जीत मिली है और काफी उनके कार्यकर्ताओं में खुशी था। कहीं ना कहीं ये संगठन का जो बीजेपी का संगठनात्मक जो कार्य होता है उसका नाम स्वरूप है, जो नीचे स्तर के तबके के लोगों को कन्विंस करना और एक समझना, उस संगठन को देखते हुए सारा परिणाम सामने आया है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम किए हैं और इसी का जो दोबारा उनको चुन के फिर से जो स्थानीय जो 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 जनप्रतिनिधि हैं उनको चुन के फिर से भेजे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो रोल रहा है अपने क्षेत्रों में काम के प्रति या जो जनता के बीच में जो प्रेम रहा है कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है। जी